यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ईद को गुजरे पूरा एक महीना हो गया और मैं आज व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। सो वेलकम टू माय ईद व्लॉग। तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि ईद का और ट्रैवल व्लॉग पहले और ईद का व्लॉग बाद में क्यों आ रहा है। देखो भाई, जब मैं ट्रैवल व्लॉग से वापस आया था ना, तो मैं थोड़ा बीमार भी हो गया था और गले ने तो मत मार दी थी, गला बहुत खराब था मेरा, बोला भी नहीं जा रहा था। तो इसलिए सोचा कि हम पहले बनाएंगे मोमेंट ऑफ आम की वीडियो, फिर उसके बाद बनाएंगे हम ईद की वीडियो। अभी ईद की वीडियो है तो भाई बात ही बनी सी। ईद के दिन की शुरुआत हुई मेरी एक प्यारी सुबह से। अब हम सारे वहां पे इकट्ठे हुए। सॉरी, पहले हमने ईद की नमाज पढ़ी, अभी ईद की नमाज पढ़ चुके हैं, उसके बाद ईद भी पढ़ ली है, उसके बाद ईद ही लेनी है। अब मैं घर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस घर को बने में 32 साल हो गए। यहाँ पर ये घर मेरे दादा अबू शौकत हमीद ने बनाया था और ये सीढ़ियाँ, ये मुझे हमेशा याद रही, कितनी बार इसमें गिरा, कितनी बार इसमें उठा, सब याद है। अपना घर बहुत प्यारा है, यहाँ रात बहुत प्यारी है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा फोटो शूट किया, उसके बाद हम सारे अंदर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद हम थोड़ा खाना खाया। हमने सोचा यार चलो फोटो शूट में निकलते हैं। उसके बाद हम गए एक ऊंची सी बिल्डिंग में। अभी पर आए मैं सबसे ऊपर, बहुत मजा आ रहा है। के बाद मैं थक गया था बैटरी लो गई थी। मोबाइल खराब हो गया था, मैंने बनाया नहीं। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था तो मैच देखने लग गया। अब सही है, अब तो नहीं करेगा। बस